नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जो पीआरटी प्राइमरी लेवल के टीचरों की जो भर्ती निकली हुई है, उसमें जो है ये भर्ती जिले वाइज निकली हुई है। तो देखिए, उसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के द्वारा ये भर्ती निकली हुई है, यानी उधम सिंह नगर जिले से ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंतर्गत जो है पदों का विवरण दिया हुआ है। इसमें कुल 266 पद हैं, जिनमें एससी के 52 हैं, एसटी के 10 हैं, ओबीसी के 37 हैं, ईडब्ल्यूएस के 26, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के 10 हैं और जनरल के 131 पद हैं। इसमें बैकलॉग के पद भी एडजस्ट किए गए हैं, जिसमें 43 पद दिए हैं कुल, एससी के 4 हैं और बाकी जो हैं इसमें 19 और 20 ये जो पोस्ट हैं पीएच के लिए दी हुई हैं, दृष्टिबाधित और श्रवण हार्स इस तरह के जो पीएच कैटेगरी के हैं उनके लिए पोस्ट हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन हो रहेगी, आप इसमें ऑफलाइन जो है आवेदन डालेंगे। इसका जो आवेदन का प्रारूप है आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, schooleducation.uk.gov.in से आप जो है इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रारंभिक के लिए जो है 50% विज्ञान और 50% विज्ञानोत्तर के होंगे, और इसकी योग्यता है कि आपने भारत में के किसी भी विश्वविद्यालय से बीए किया हो, स्नातक जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो है आपने डीएलएड किया हो, डीएलएड बीएलएड इस तरह का कोई डिप्लोमा, अगर द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा है, 4 वर्षीय बीएलएड है, इस तरह का कुछ भी जो आपका 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के लिए 2 वर्ष के भीतर एनसीटीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कोर्स है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने जो है इस तरह का कोई कोर्स नहीं किया है तो आपको जो है ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो देखिए, आप जो है जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और उन्होंने यूटीईटी यानी यूटेट या सीटेट का फर्स्ट वाला पेपर निकाल रखा है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी एक भर्ती है डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि हर ज़िले से जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और इसकी सारी विज्ञप्ति मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है पदों का विवरण और बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, 10 जून को आई थी, आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।